सरोकार। आज उत्तराखंड के खट्टी, महल्दवानी और श्रीनगर में पहुंचेगी रैलियां। कांग्रेस महासचिव करेंगे रैली। यूपी की 55 सीटों पर आज थमेगा प्रचार। उत्तराखंड और गोवा में भी आज प्रचार का आखिरी दिन, दिग्गज लगा रहे दम। यूपी में सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल, अब नहीं चलेगी ऑनलाइन क्लासेस। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की बेल को लेकर शिवपाल यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। मालेगांव समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन आज। लुधियाना में निकलेगा हिजाब मार्च। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। कर्नाटक में चल रहा हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर अब देश की प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बड़ा प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते हुए कहा कि हिजाब उनका हक है और किसी कीमत पर वो हिजाब नहीं छोड़ेंगी। छात्र छात्राओं ने पूछा, कर्नाटक में जिनकी सरकार है वो नफरत फैला रहे हैं, भगवा गमछा और पटके क्यों पहने जा रहे हैं? ये लोगों ने जो प्रोटेस्ट निकाला है, ये जो कर्नाटक में हुआ है हिजाब को लेकर के, और उसी के से की ये कड़ी है, उसी से लोगों ने अपना एक सॉलिडिटी दिखाई है उस लड़की के साथ, ये उसी के ऊपर ये प्रोटेस्ट मार्च लोगों ने निकाला है। क्या ये 9 तारीख को इजाजत नहीं दी गई थी, क्या उसकी वजह से आज की तादाद ज्यादा है? नहीं, तादाद की बात नहीं है इजाजत से, और चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन था 10 तारीख को और 9 तारीख को ये बच्चे निकालना चाहते थे, तो ये मुनासिब नहीं था। इसलिए हमने इन बच्चों से को एडवाइस किया था कि चूंकि इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है, मामला होता है, एक नेशनल फेस्टिवल की तरह से होता है, लिहाजा उस वक्त पर मौके के एतबार से बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि कोई प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाए जिसका कोई इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई इम्पैक्ट था। प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब को लेकर, फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें लगता है कि हर किसी का अपना नजरिया है, अपना ओपिनियन है, हमारा राइट है, इंसान जो भी चाहे वो पहन सकता है, तो हिजाब भी उसी में आता है। हिजाब भी इसके लिए ऑपरेशन नहीं है हमारे लिए, हम फ्रीली चाहते हैं, हम इसमें अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो हमें राइट होना चाहिए हम जो भी चाहे पहने। ये जो प्रोटेस्ट है ये हिजाब के ऊपर है, जो हिजाब अभी एक लड़की को मतलब एक तरीके से एक आरएसएस वाले गुंडे जो मतलब देश का माहौल बिगाड़े हुए हैं, उस तरीके से ये माहौल जो क्रिएट किया गया है सिर्फ यूपी के चुनाव के लिए किया गया है, और इस चुनाव में शायद बीजेपी फायदा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि लोग सब जानते हैं जो मेन मुद्दे हैं लोगों के, गरीबी, भुखमरी, रोजगारी, नौकरी, ये मेन मुद्दे हैं। ये हिजाब हिंदू मुस्लिम धर्म से बांटकर ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लोग सब समझते हैं क्या मुद्दे चल रहे हैं, और इलेक्शन के टाइम पर अगर हिजाब का मुद्दा इन्होंने उठाया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अपने ही लोगों को तोड़ने के लिए किया है। लेकिन लोग समझदार हैं, पहले से उन्हें नौकरी, रोजगार, खाना, कपड़ा, ये इस चीज की जरूरत है, ना कि हिजाब या किसी एक धर्म। खबर फरुखाबाद से है, जहां आगामी 20 फरवरी को चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं अमृतपुर से समाजवादी पार्टी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने नवाबगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों ही इशारों में सीएम योगी को जालिम उत्पाती बता दिया, और आगे जनता से कहा कि आप लोगों को सांड चाहिए या साइकिल, जालिम उत्पाती बाबा चाहिए या अखिलेश। जबकि सुबोध यादव इतने पर ही नहीं रुके, आगे सपा प्रत्याशी ने योगी को छोटा बाबा और प्रधानमंत्री को बड़ा बाबा बता दिया, और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आपको सांड चाहिए कि साइकिल? साइकिल। सांड को भगा दे। ये जालिम उत्पाती बाबा चाहिए अखिलेश? अखिलेश। तो फिर इस बाबा को गोरखपुर भेजना पड़ेगा। देखिए, ये हंसने से और ऐसे काम नहीं चलने वाला। से
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के किसी भी एक चौराहे को भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर समर्पित करने के साथ ही लता मंगेशकर एकेडमी बनाने की योजना भी तैयार की है। उनकी इस योजना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। कासगंज की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम को चाहने वाली लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या में भी प्रमुख चौराहे का नाम रखा जाएगा। यह सरकार का संकल्प है, ऐसा करके हम उनको सम्मानित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश में लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी की स्थापना करने का वादा किया गया है। इसके तहत लता मंगेशकर के नाम पर एकेडमी बनाकर प्रदेश के लोक नृत्य संगीत एवं रंगमंच को लोकप्रिय बनाने और इनसे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर कम होने के बाद स्कूलों को खोले जाने का आदेश जारी किया गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। वहीं आदेश में प्रदेश के जिम को भी खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि स्विमिंग पूल वाटर पार्क बंद रहेंगे। हाल ही में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश के जिम स्विमिंग पूल समेत तमाम गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी पूरी उपस्थिति के साथ काम कर सकेंगे। वहीं अब खबर रायबरेली से है, जहां शराब पीने के बाद मौत के बाद प्रशासनिक अफसरों के निर्देश पर आबकारी विभाग में जमा कराई गई शराब की सैंपलिंग के बाद शराब के पेटियों को ठेकेदारों को वापस नहीं करने के बाद ठेकेदारों में खासा आक्रोश है। इस पूरे मामले को लेकर ठेकेदारों ने शहर के एक होटल में बैठक की और जिलाधिकारी समेत आबकारी विभाग के अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है, जिससे उनके कारोबार में नुकसान नहीं हो। आज हम लोगों ने आपस में एक बैठक रखी है, टोटल ठेकेदारों ने हम लोगों का माल आबकारी विभाग ने अपने ये कहते हुए जमा कर लिया है कि इसको रोक बेचने को रोक दिया जाए, जबकि ऊपर से कोई भी आदेश नहीं है इसको रोकने का। हम लोगों ने गोदाम से ड्यूटी पेड माल है और गोदाम से हम लोगों ने निकासी ली थी, फिर भी रोक दिया गया है। विंडीज नामक देसी शराब थी, उसको रोक के अपने पास जमा कर लिया गया, उसे बेचने की रोक लगा दी है। हम लोगों ने एक बैठक की, अगर ये माल जल्द से जल्द नहीं मिलेगा तो ये माल 31 मार्च तक ठेका हम लोगों के शराब ठेके जो है 31 मार्च तक का लाइसेंस हुआ है, उसके बाद में लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा और माल नष्ट हो जाएगा। और हम लोगों का करोड़ों रुपए का जितने लाइसेंसी हैं उन लोगों का करोड़ों रुपए का माल है। इस वजह से हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत निवेदन कर रहे हैं कि हमारा माल प्रशासन से प्रशासन मिलता नहीं है। चुनाव में लगा हुआ है कि आज नहीं बात हो पा रही, कल नहीं बात हो पा रही है। हमारा माल हर तरीके से हाथ जोड़ के सभी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि हमारा माल जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। चूँकि आधी फीस भी जमा होनी है, हम लोगों के पास पैसा बचा नहीं है, माल भी उठाना है। हम लोग कंगाली पे, भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं। एक लोगों की गलती से सारे ठेकेदार परेशान हैं और हमारा माल जल्द से जल्द वापस करने की कृपा की। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज यानी कि शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा की विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे। प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सूरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मऊ में सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं और जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है और कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह बैरिगेटिंग लगा दी गई है, जिससे प्रत्याशियों और उनके दो समर्थक ही नामांकन कक्ष के अंदर जा सके और नामांकन के दौरान कोई हिंसक झड़प न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। आज नामांकन प्रक्रिया को
व्यवस्थित चलाने के लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और बाकी प्रबंध किए हुए हैं। हर गेट पे आप देख रहे हो कलेक्ट्रेट का मेन रोड जहाँ से मुड़ता है वहाँ से लेके बैरियर बने हुए हैं, उसके बाद पूरा लिया के पास बैरियर बना है और बाकी सारे बैरिकेड्स हो गए हैं। नामांकन कक्ष अलग तैयार हैं तो सारी जगहों पे फोर्स चारों तरफ कलेक्ट्रेट के आउटर गार्डन इनर गार्डन और प्लस जहाँ तो नामांकन होना है उन कक्षों के आसपास भी ड्यूटियाँ प्रॉपर तरीके से लगा दी गई हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर मौजूद हैं और मुस्तैद हैं। सीसीटीवी कैमरे भी आपको दिख रहे होंगे, सिटी मजिस्ट्रेट सर डीएम सर कलेक्टर सर सब लोगों ने भ्रमण भी करके देख लिया है। सारी व्यवस्था अपनी जगह पर साफ सुथरा और दुरुस्त है। जिनको यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करना है या बिक्री करना है तो मुख्य गेट पे ही वहाँ पर उसकी चेकिंग हो जा रही है। इसके बाद कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं वहाँ भी चेकिंग हो रही है और अंदर भी हो रही है। इस प्रकार इनर गार्डन और बाहरी गार्डन और सभी पे त्रिस्तरीय चेकिंग होने के बाद ही जो पर्चा दाखिल करने वाले लोग आ रहे हैं और ख़रीदने वाले लोग। और अभी तक जो कल तक की सूचना थी कि कल सिर्फ पर्चे ख़रीदे गए हैं और बाकी सुरक्षा के लिए आप खुद ही देख रहे हैं कि हर जगह पे फोर्स लगी हुई है और पर्याप्त फोर्स है और मुझे लगता है कि शांति। रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां देर रात तेज रफ्तार बाइक सवार ने अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बाइक चालक को दबोच लिया, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के सलोन जगतपुर मार्ग स्थित मटका गाँव के पूरे जोधी गाँव का मामला है। हाथरस के मोहल्ला लखपति में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। जब परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो सब सकते में आ गए और हत्या का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में राजा अनिल प्रताप सिंह ने अपना नामांकन पर्चा वापस लिया है और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रतापगढ़ में बीते 8 फरवरी को राजा अनिल प्रताप सिंह ने नामांकन किया था। राजा अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि हाईकमान से टिकट की उम्मीद के कारण नामांकन किया था, इसलिए अब वो चुनाव प्रचार करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो चुनाव प्रचार करेंगे अब वो पार्टी की तरफ से, साथ ही नामांकन जो उन्होंने किया था उसका पर्चा वापस ले लिया है। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ हाई कमान से टिकट की उम्मीद के कारण नामांकन उन्होंने किया था और अब वो चुनाव प्रचार में ही जुटे रहेंगे। और उन्होंने राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके हाथों को मजबूत करने के लिए पार्टी के तो मैंने अपना पर्चा वापस। किस क्या ऐसी क्या बात है जो आपको नामांकन करना पड़ा था? मैं नामांकन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे भी मिल जाए सिंपल। हाँ। नहीं हुआ तो मैंने नामांकन दाखिल किया, लेकिन जहां पार्टी की हित की बात है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, उनको मजबूत करने के लिए मैंने पार्टी हित में मैंने वापस। बस्ती के सदर कोतवाली के कनकपुर गांव में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। जमीनी विवाद में एक किशोरी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। घटना में गंभीर हालत में किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिली है कि जलने की वजह से किशोरी 85% जल गई है। किशोरी की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में कड़ी जांच की जाएगी। मिश्रा और विवेकानंद मिश्रा जो मूल रूप से करनपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में सगे पटीदार भी हैं, इनके मध्य रास्ते का विवाद और मकान बंटवारे का विवाद चल रहा है और इस संबंध में सीनियर जज सिविल के यहाँ बंटवारा भी दाखिल है। आज एक पक्ष ने उसमें छज्जा और बारजा निकालना शुरू किया, जिस पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया और इसको लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। इसी बीच में एक लड़की जिसका नाम कन्याकुमारी है, वो भी कत्पे परिस्थितियों में जली हुई अवस्था में वहाँ मौके पर मिली है और जो जिला अस्पताल जिसको लाया गया और वहाँ से गंभीरता के दृष्टिगत उसको मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। इनके परिजनों द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में एक FIR थाने पर दी गई है,
जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और दोषियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।